हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड ऐप इन वीवो वाई 12s। वीवो वाई 12s में अपने एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर पाएंगे आप। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इजीली अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं होम स्क्रीन से, तो आप हाइड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस फ़ोन में आपको हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिखाता है। आपको कोई भी अगर यूट्यूबर आपको यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद या फिर यहाँ पर प्राइवेसी में दिखा देते हैं एप्लीकेशन हाइड का ऑप्शन, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता है इस फ़ोन में। तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ इस फ़ोन में जो डाउनलोड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। नेक्स्ट यहाँ से आपको इसे सर्च कर लेना है, यहाँ पर हाइडर हाइडर ऐप। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है हाइडर ऐप, और यहाँ से आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, बट आपको यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका आपको ये आइकन देख लेना है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर इसकी परमिशन को अलाउ कर लेनी है। अलाउ करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको इसे पिलर्स के आइकन पर क्लिक कर देना है। जिस एप्लीकेशन को भी आप हाइड करना चाहते हैं, होम स्क्रीन से छुपाना चाहते हैं, तो उसे यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे पर क्लिक करना है, इंपोर्ट हाइड कर देना है। यहाँ से आपका एक ऐड आता है, इसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट प्लस के आइकन पर जाना है। और भी कोई एप्लीकेशन जैसे गूगल वन, तो इसे कर देते हैं हाइड, और यहाँ से इसे कर दिया, फिर यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अभी एप्लीकेशन हमारे हाइड हो चुके हैं। आइकन यहाँ पर जाना है आपको इस वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट एक पिन जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना एक पिन जनरेट कर लेता हूँ, इसमें 6 डिजिट का, यहाँ से कंफर्म कर देना है, तभी आपके ये एप्लीकेशन ओपन होते हैं। जो हमारा हाइडर ऐप, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर पर जैसे ही आएंगे आप, कैलकुलेटर में जाने के बाद यहाँ से अपना पिन जनरेट कर लेना है। पिन जैसे डालेंगे आप, तो इस तरीके से आपके हाइड एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड